आंधी तूफान आता था तो बहुत डर लगता था, बादल भी गरजने लगता था, छत से पानी गिरता था। एक पक्का घर हमारे लिए सपना जैसा था। भगवान से तो ये दुआ मांगते थे कि हम लोग घर मिल जाए। हमारा नाम उर्मिला देवी है। जी बेटियाँ भी सियान हो जाती थी, टेंशन होता था, बाहर जाते थे, इसीलिए हम लोग बहुत सोचते थे कि आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए तो अपने घर में सेफ्टी हो जाए, बच्चे अपने घर में रहें। बच्चे यही आपस में बैठते थे तो घर का, जैसे दूसरे का घर देखते थे, इनका घर बनाया तो ड्राइंग बनाते थे। तूफान आता था, बच्चों को लेके कहाँ जाएं हमको खुद ही नहीं समझ में। हमारे घर में एक सांप आ गया था, चारों तरफ से ना सुरागे होते थे घर में, फिर वो हम लोग फटाफट बच्चे के लेके फटाफट बाहर भागे। वो सीन हमें आज भी याद आता है, वो बहुत डरावना सीन था। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, कच्चे मकानों में जो गरीब परिवार के लोग रहते थे उनके लिए पक्के मकान पक्के छत दिए जा रहे हैं। हमारी वाइफ के नाम से कि आपका आवास आया, हमें बहुत खुशी हुआ कि चलो हमारे भी घर मिल गया। घर का रंग हरा बहुत अच्छा लगा। नया घर से ही फायदा हुआ है, अब बच्चे रह रहे हैं अच्छे से, घर में पढ़ाई लिखाई अच्छे करेंगे, अपना घर में रहेंगे। मैं सोचती थी अपना घर सजाने के लिए, मुझे मेरा घर मिल गया। आवास से निवास मिल गया। ये गांव के महिलाएं हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, समाज में औरतों को उनका हक मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए, तभी हमारे देश में परिवर्तन आएगा। बिजली मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, ऐसा कोई नहीं दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।